हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू वीडियो। आई होप यू आर एक्सट्रीमली वेल। तो आज हम लोग आए हंटर 350 के लॉन्च पे। These are all new Hunter 350 from Royal Enfield. It's available in almost 8 color. इसके अंदर दो वेरिएंट है, एक मेट्रो और एक रेट्रो। फ्रंट में दिया हुआ है इसके अंदर एक विंडशील्ड एंड हेडलाइट एंड ये इसके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो कि रॉयल एनफील्ड के आते हैं। ये थोड़े छोटे हैं देखने में, और बाकी टायर साइज वगैरह और गाड़ी की साइज थोड़ी सी छोटी कर दी गई है। और ये कलर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अंदर दो कलर और खड़े हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सो दो कलर अंदर खड़े हुए हैं अभी इस डीलरशिप पे। तो एक कलर तो ये है ब्लू एंड वाइट एंड द अनदर इज सिल्वर। दिस इज द रेट्रो वेरियंट इन विच वी गेट स्पोक व्हील्स एंड दी रियर आर्म रेस्ट एंड तो मिरर्स मैंने पूछा तो सेम आते हैं। जो बार ये बार एंड मिरर्स आते हैं ये वाले एज एन एक्स्ट्रा एसेसरी आप लगवा सकते हो, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। साइज़ में थोड़ी छोटी है। तो भाई मुझे पर्सनली ये वाला कलर एंड जो बाहर खड़ा था ब्लैक ग्रे वाला वो ज़्यादा बेटर लगा। इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है कि आप पीछे को आपको ड्रम देखने को मिलता है रेट्रो वेरियंट के अंदर एंड मेट्रो के अंदर। आप मेट्रो के अंदर अलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है आपको। और इसमें एज अ एक्स्ट्रा एसेसरी आप नेविगेशन बार भी लगा सकते हो, जैसे कि मीटियोर 350 वगैरह में आता है। मीटियोर के अंदर दिखा देता हूँ, वैसा यहाँ पे ऐड करा सकते हो। जो ये वाला है ये वाला उसके अंदर एज एन एक्स्ट्रा एसेसरी आप लगवा सकते हो। एंड हेयर इज द बार एंड मिरर्स। तो ये रहे वो मिरर एज एन, ये भी एक्स्ट्रा एसेसरी एंड ये नीचे का इंजन गार्ड एंड ये दिया हुआ है कुछ स्टोरेज के लिए लगेज वगैरह का। और ये कुछ एसेसरीज है इसके एक्स्ट्रा। पर्सनली देखने में ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर आप इस पर 12 इंच मिरर्स लगा लेते हो ना भाई, एक नंबर लगती है गाड़ी। और शोरूम वालों ने मैंने मना किया है कि आप इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन से वो आज बताओ मत। तो और कलर ये बोल रहे हैं कि 6 से 7 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। तो इन्होंने बताया नहीं है अभी कलर्स की नेम, इनको पता नहीं है कि कौन कौन से कलर हैं वो। उसके इंडिकेटर्स है भाई, पर्सनली बहुत ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रहा है। तो आवाज़ बहुत ज़्यादा सही है एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे पर्सनली। इन टायर बहुत ज़्यादा ग्रीपी देखने में मिल जाते हैं। एंड मुझे ये मेट्रो वेरिएंट है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और इसमें आप 12 इंच मिरर्स लगा लेते हो तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती गाड़ी। सब एक एक बार सवार है। इस गाड़ी कितनी ज़्यादा छोटी है आपको ये अंकल बैठा उस हिसाब से पता लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत ज़्यादा कम है इसका। रेट्रो और मेट्रो वेरिएंट पे एक फ़र्क ये है कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है। इधर उसमें स्पीड दिख रही है और यहाँ पे भाई ये फ्यूल एंड ट्रिप एंड इसका दिया गया है मीटियोर 350 की तरह। तो ये वाला देखा इसमें यहाँ पर स्पीड दी गई है एंड बीच में दे दिया गया और ये सारी लाइट्स हैं न्यूटन बैटरी वगैरह के सारे दिए गए। तो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया ये। और जो ये स्विच है ये इसमें नॉर्मल दिया गया और जैसा इसमें पुराना आता था सेल्फ और ये किल स्विच वगैरह दिया गया, इसमें इसी के अंदर सेल्फ एंड किल स्विच दे दिया गया। इस इन दोनों रेट्रो और मेट्रो में इंडिकेटर का भी डिफरेंस दिया गया। इसमें देखो ये वाले इंडिकेटर दिए एंड उसमें दिए हैं ये दूसरे वाले इंडिकेटर्स। तो ये भी मेजर डिफरेंस है एक एंड अलॉय व्हील स्पोक व्हील का डिफरेंस है। रियर में इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है और इसमें ड्रम दिया गया है। और जो इसकी ग्राफिक्स है वो थोड़ा सा अलग है, उसकी ग्राफिक्स अलग है, थोड़ा बेसिक टाइप का दिया गया है। इसका मीटर भी थोड़ा सा वो है एंड इसमें नॉर्मल ये दिए गए हैं स्विचेस जैसे कि उसमें आता है और उसमें जो अपने क्लासिक 350 वगैरह में आ रहा है वैसा कुछ दिया गया है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।